हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्सहोलिक्स। तो आज अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं ना, कि जब हम एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, हम नीट या जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं अपनी कोचिंग में, या फिर फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए ताकि हम अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाए, मैक्सिमम मार्क्स ला पाए। क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और किन किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए ना, क्या हमारा सही तरीका होगा। तो अलग अलग तरीके इश्यूज आते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि सभी लोग टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना है ना, क्योंकि मेरे जितने भी लेटेस्ट बैचेस आते हैं या फिर फ्री कोर्सेज की भी सीरीज आती है, जो भी चीज़ आती है, वो सारे अपडेट्स, मतलब जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं ना, वो तुम्हें टेलीग्राम पे मिलते हैं। नीट वाले इसको ज्वाइन करें, जेई वाले इसको ज्वाइन करें, ऑब्वियस सी बात है। इन सारी चीज़ों की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, साथ में मेक श्योर कि फिजिक्सहोलिक्स की वेबसाइट जरूर देखना, क्योंकि हम लोग बहुत सारा जो हमारे जो कोटा का जो मटेरियल है नीट और जेई का, हमने दोनों को अपडेट कर रहे हैं, है ना, और हर एक चीज़ के वीडियो सॉल्यूशन बना के अपलोड कर रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं ना, एंड वी आर मेकिंग श्योर कि उसमें कोई भी एरर ना। हमारी पूरी टीम इस पर लगी है, एंड ऑल ऑफ दिस कॉन्टेंट इज कम्प्लीटली फ्री, है ना, विद नो एड्स। तो मेक श्योर कि एक बार जाके देखना, जरूर चेक करना वेबसाइट को, और अनअकैडमी पे फॉलो कर लेना, है ना। और जो भी बच्चे प्रॉपरली मुझसे पढ़ना चाहते हैं लाइव क्लासेस में ना, वो चाहते हैं कि वो फिजिक्स मुझसे पढ़े, तो मेरे जेई नीट दोनों के सेपरेट बैचेस चल रहे हैं, है ना, और बहुत सारे नए बैचेस आते रहते हैं, चाहे तुम 11th के हो, चाहे तुम 12th के हो, चाहे तुम ड्रॉपर हो, ना, तो तुम कर सकते हो और पता कर सकते हो। जो भी नए बैचेस वगैरह आते हैं उनके अपडेट हम जनरली टेलीग्राम पे डाल देता हूं मैं, है ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा उसके बारे में। बाकी तुम मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, दिस इज माई टेलीग्राम आईडी @PJSaranacademy, इससे तुम मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी तुम्हें कॉन्टैक्ट के लिए इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो बच्चे अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ना, मुझसे पढ़ना चाहते हैं ना, आई थिंक तो पता तो सबको है ही, है ना, तो तुम मेरा रेफरल कोड यूज करके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, अगर तुम्हें मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है। दिस इज माय रेफरल कोड फिजिक्स लाइव, इसको यूज करने से तुम्हें 10% ऑफ मिल जाएगा ना, और याद रखना ये प्राइसेस वगैरह अपडेट होते रहते हैं ना, तो चेक कर लेना जब भी तुम सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। इससे तुम जिस भी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लोगे, नीट का सब्सक्रिप्शन लोगे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का 100% एक्सेस मिलेगा, उसके सारे टीचर्स से पढ़ सकते हो। अगर जेई का सब्सक्रिप्शन लोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का 100% एक्सेस मिलेगा ना, मतलब उसमें जितने भी टीचर्स हैं किसी से भी पढ़ सकते हो। कोई भी क्वेरी के लिए मुझे टेलीग्राम पे इस आईडी पे मैसेज कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो भाई क्या सही तरीका होना चाहिए हमें एग्जाम हॉल में जब हम पेपर दे रहे हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ना। तो सबसे पहले तो यार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम्हारे लिए चेकलिस्ट की तरह भी एक्ट करेगा। एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, है ना, फिर अपन एक एक करके इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करते हैं, इससे तुम्हें फिर याद आ जाएगा ना जो मैंने लिखा है। सबसे पहले तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, गो थ्रू द होल पेपर, है ना, 2 times। तुम्हें हमेशा पेपर 2 attempt, मतलब 2 बार में सॉल्व करना होता है उन 3 घंटों में, है ना। और इसमें देखो जेई और नीट वाले अलग थोड़ा फॉलो करते हैं, जेई वालों को 50% मेथड फॉलो करना होता है, हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ ये, है ना, चाहे जेई मेन दे रहे हो चाहे जेई एडवांस, दोनों के लिए। और जब तुम नीट का दे रहे हो तो तुम्हें 90% मेथड फॉलो करना है, 80-90% मेथड। क्या मतलब इसका मैं बताता हूँ, जैसे जब तुम पहली बार पेपर दे रहे हो, मतलब एग्जाम हॉल में गए, तुम पहली बार पेपर दे रहे हो, देखो ऑर्डर वगैरह इतना मैटर नहीं करता कि तुम फिजिक्स केमिस्ट्री कौन पहले उठा रहे हो कौन बाद में उठा रहे हो, पर ये ध्यान रखना तुम एक अपना पैटर्न बना लो, है ना। जनरली ये होता है कि तो जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है ना उसको जल्दी से कर लो, उससे क्या होता है कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना। बाकी तुम जो अभी मॉक टेस्ट में तुम जो ऑर्डर फॉलो करते हो ना, फाइनल एग्जाम में भी तुम्हें वही ऑर्डर फॉलो करना है, ये ध्यान रखना ना, वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं करनी। जो तरीके से तुम इतने सारे मॉक टेस्ट दोगे, कम से कम 50-100 मॉक टेस्ट दोगे एग्जाम में जाने से पहले, वही तरीका भी तुम फाइनल में भी फॉलो करोगे ना। उसके बाद देखो दो टाइम्स अपन पेपर करते तो किस तरीके से करते हैं ना, तो इसमें जब अपन पहली बार कर रहे हैं ना, इसमें जब अपन पेपर पहली बार कर रहे हैं तो उसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हर एक क्वेश्चन को मार्क करते हुए चलना है सॉल्व करते समय, है ना। जैसे 3 तरह के मार्क करेंगे अपन, टिक, क्रॉस एंड बॉक्स। इन तीनों का मैं मतलब बता देता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में वैलिड है, मैं बता दूंगा कैसे करना है। टिक का मतलब होता है कि कुछ क्वेश्चंस तुम्हें पढ़ के ही तुम्हें दिख जाएगा यार कि ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा, है ना। जैसे नीट वाले हैं तो वो पढ़ के ही उन्हें दिख जाएगा यार कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया अच्छे से आता है और ये मैं 1-1.5 मिनट में कर लूंगा, या फिर जेई वाले हैं तो भाई मैं 2 मिनट में कर लूंगा इस क्वेश्चन को, है ना, 1.5-2 मिनट में मेरा ये क्वेश्चन हो जाएगा और 100% हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन को अपन को ऑन द स्पॉट सॉल्व कर लेना है, आगे नहीं जाना, अगला क्वेश्चन नहीं पढ़ना, ये सब नहीं करना कि पूरा पेपर एक बार पढ़ रहे हैं गो थ्रू कर रहे हैं, भाई इतना समय नहीं होता, ये सब फर्जी बातें होती हैं। पढ़ो, खत्म करो, तुमने पढ़ा तुम्हें लगा कि भाई पहली बार में हो जाएगा और जितना समय तुम्हारे एग्जाम के लिए ना वो मैंने बता दिया है उतने में सॉल्व हो जाएगा, उसको ऑन द स्पॉट सॉल्व करो, टिक करो, आगे बढ़ जाओ। अब मान लो कोई क्वेश्चन है,
जैसे कुछ टॉपिक है, मान लो तुम रोटेशन पढ़ के नहीं गए थे या फिर तुम आईने के इक्विलिब्रियम पढ़ के नहीं गए थे, तुम्हें पता है तुमने नहीं पढ़ा, तो वो क्वेश्चन देख के ही तुम्हें पता है यार तुमने नहीं पढ़ा है, तो उसमें समय बर्बाद नहीं करना, उसमें क्रॉस मारो आगे बढ़ो, कि मतलब वो क्वेश्चन हमको करना ही नहीं यार, वो क्वेश्चन हमको करना ही नहीं है, या फिर कुछ क्वेश्चन होता है पढ़ के कुछ आइडिया नहीं आ रहा तो वो छोड़ दो, ये बहुत सॉर्टेड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पढ़ के तुम्हें लगेगा यार कि ये पढ़ के मुझे कुछ कुछ आइडिया आ रहा है, शायद मैं आगे बढ़ूँ तो सॉल्व हो जाए या फिर ना हो। जो शायद वाले क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, उनको पहले अटेम्प्ट में नहीं करना अपन को, वो दूसरी बार में करना है, क्योंकि मान लो नहीं हुआ ना तो वो समय बर्बाद कर देगा, और हो सकता है कि उस चक्कर में आगे ऐसे क्वेश्चन हो जो तुम्हें बहुत अच्छे तरह से आते हो और वो क्वेश्चन छूट जाए, या फिर एंड में जाके तुम्हारे पास समय कम बचे। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है और मैक्सिमम बच्चों के साथ ऐसी चीज़ होती है। तो तुम्हें एग्जाम में क्या हो रहा है, तुम्हें एग्जाम में इमोशनल नहीं होना, तुम्हें अपना मैक्सिमम आउटपुट देके आना है, तुम्हें उन चीज़ों को सबसे पहले करना है जो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। तो जो शायद वाले क्वेश्चन है ना, उन पर बॉक्स बना के आगे बढ़ जाओ, यहां तक कि वो क्वेश्चन भी, जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, तुम्हें पता है तुम कर लोगे, तुम्हें देखते ही पता है तुम कर लोगे, पर तुम्हें पता है यार इस क्वेश्चन को करने में मुझे 4-5 मिनट लगने वाले हैं या फिर 3 मिनट लगने वाले हैं, मतलब जितना टाइम तुम्हें उस क्वेश्चन के एक क्वेश्चन के लिए मिलता है उससे ज्यादा समय लगने वाला है, तो मत करो उस क्वेश्चन को, क्योंकि हो सकता है कि तुम 5 मिनट में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो पर एंड में जाके उसको एक क्वेश्चन के चक्कर में तुम्हारे 2 या 3 क्वेश्चन छूट जाए, तो नहीं करना ना। इंडीड कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, उनका कोई छोटा तरीका नहीं होता, कभी कभी आ जाते हैं, तो वो क्वेश्चन आते ही छोड़ने के लिए, तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो मैं पता है तुम सॉल्व कर लोगे तब भी उसे नहीं करना, उस पर बॉक्स बना के आगे बढ़ जाओ। जब पहली बार में तुम बढ़ते हैं 2 घंटे के अराउंड में, जब तुम पहला अटेम्प्ट पूरा खत्म कर लोगे ऐसे पूरे तीनों सब्जेक्ट, उसके बाद जब तुम दूसरी बार आओगे पेपर सॉल्व करने के लिए, तब तुम्हें सीधे ये बॉक्स वाले क्वेश्चन उठाने हैं, क्रॉस वाले क्वेश्चन तो हमको उठाने नहीं है, फिर उनमें से बॉक्स वाले क्वेश्चन आए क्योंकि वो शायद वाले क्वेश्चन है, और तुम 100% वाले श्योरिटी वाले क्वेश्चन स्टार्टिंग के 2-2.5 घंटे में पहले ही सॉल्व कर चुके हो, जो 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन है उन वो तुमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए, तो अब तुम्हारे पास वक्त है, अब जो भी समय बचे उसमें उठा के जल्दी जल्दी बॉक्स वाले क्वेश्चन करो, उनमें से कई क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे कई नहीं होंगे, इससे तुम क्या कर पाओगे, तुम अपना बेस्ट दे पाओगे, है ना। अब इसमें जो लोग ऑनलाइन दे रहे हैं वहां पर भी मार्क करने का ऑप्शन होता है, वहां पर जो बॉक्स वाले क्वेश्चन है उनको मार्क कर दो, है ना, जो क्वेश्चन तुम बताए सॉल्व कर लेते हो वो तो तुम्हारे ऑलरेडी अटेम्प्टेड में दिख जाता है, और जो क्वेश्चन में तुम कुछ भी नहीं करोगे वो समझो वो क्रॉस वाला क्वेश्चन है, इस तरह से तुम अपना मीनिंग असाइन कर सकते हो ना। जनरली जिन क्वेश्चन को तुम सेकंड अटेम्प्ट में देखने वाले हो उनको मार्क करके चलो, है ना, जो ऑनलाइन दे रहे हैं। अब ये 50% और 90% क्या है, तो देखो बेटा तुम्हें पता ही है जेई एग्जाम में 50% मार्क्स में तुम्हारी बहुत अच्छी रैंक आ जाती है, एडवांस में तुम्हारी 4-5 हज़ार के अराउंड रैंक आ जाती है, मेंस में भी बहुत अच्छी रैंक आ जाती है ना, अगर तुम सिर्फ 50% मार्क्स स्कोर कर लो। तो हमारा सबसे पहला तरीका होता है पहले अपनी सीट सिक्योर करें, है ना। तो क्या होता है कि मान के चलो जब जेई का पेपर दे रहे हो, बहुत इफेक्टिव तरीका है ना, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी 50% भी नंबर नहीं ला पा रहे मॉक टेस्ट में ना, है ना, क्योंकि यार तुम समझो ना 50% में तुम्हें आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा, आईआईटी में एंट्री हो जाएगी तुम्हारी, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि 50% करके छोड़ दो, अरे 50% तक पहुंचो उसके बाद इंप्रूव करेंगे और इंप्रूव करेंगे ना। तो मान के चलो कि पहला अटेम्प्ट है उसमें तुम्हें सिर्फ 50% क्वेश्चन करने हैं, है ना, चाहे मेंस हो एडवांस, तुम ये मान के चलो कि एग्जाम के ऊपर लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है, मतलब तुम्हें चॉइस दे दी कि भाई तुम्हें जैसे मेंस है तो भाई तुम्हें भाई चॉइस दे दी है कि तुम्हें आधे ही क्वेश्चन करने, एडवांस है तो तुम्हें आधे क्वेश्चन करने, बहुत अच्छी बात ना। तो अब क्या करोगे, तुम ढूंढ ढूंढ के उन क्वेश्चंस को करोगे जो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से आते हो, जो टॉपिक तुम्हें आते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर तुम कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हो तुम्हें दुख नहीं होगा, लोगों की बहुत गंदी मेंटेलिटी होती है कि भाई 2 क्वेश्चन कर लिए अगले 2 नहीं हुए तो दुखी हो जाते हैं यार 2 क्वेश्चन नहीं हुए, अरे नहीं भाई तुम्हें 50% क्वेश्चन छोड़ने, तुम्हें 50% क्वेश्चन छोड़ने, इस मेंटेलिटी के साथ बैठो और तुम पहले स्टार्टिंग के 2-2.5 घंटे में 2 घंटे में चले टारगेट करना है उनको 50% उन आधे क्वेश्चन को कर लो जो तुम्हें बहुत तगड़े तरीके से आते हैं, और अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना जिन क्वेश्चन को छोड़े, क्योंकि अपन को छोड़नी है 50% में तक, ये साइकोलॉजिकल ट्रिक बहुत ज्यादा काम करती है, उसके लिए दुखी नहीं होना कि तुमने आधे क्वेश्चन छोड़ दिए। तो वो टिक वाले ढूंढ ढूंढ के 50% क्वेश्चन कर डालो स्टार्टिंग के 2-2.5 घंटे में, अब जो समय बचा उसमें ढूंढ ढूंढ के बॉक्स वाले करो, उनमें से तुम कई क्वेश्चन कर लोगे, इससे तुम अपना मैक्सिमम दे पाओगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कोई बच्चा है जो बहुत तगड़ा कर रहा है उसके पहले पहली बार में अगर सारे क्वेश्चन होते जा रहे तो खत्म करते चलो भाई, जो टॉपर है रैंकर है वो तो करेगा, ये बस एक आइडिया के लिए, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे भाई फिजिक्स मान लो फिजिक्स करो फिजिक्स में तुम्हारे एडवांस में 18 के 18 क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हें, तो खत्म करो यार, फिर तो खत्म करो, अगर तुम्हें तुरंत सॉल्व हो रहे हैं तो खत्म करो, है ना। पर एक जनरल आइडिया समझो, है ना, कई लोग होते हैं उनका पेपर छूट जाता है क्योंकि वो फंस जाते हैं क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में 10 मिनट बर्बाद कर दिया, 15 मिनट बर्बाद कर दिया, तो इससे तो तुम अपना मैक्सिमम क्या तुम बहुत वर्स्ट देके आओगे, तुम जो कर सकते थे उससे भी बहुत गंदा परफॉर्मेंस देके आओगे, मतलब तुम्हारी प्रिपरेशन जिस लेवल पे थी तुम उससे भी बहुत गंदा करके आओगे एग्जाम में। नीट में तो तुम्हें बहुत मार्क्स चाहिए होता है, तो नीट में मान के चलो पहले अटेम्प्ट में डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन तुम्हें 80-90% क्वेश्चन करने, मतलब क्या होता है उसमें भी तुम्हें कुछ क्वेश्चन छोड़ने ही, मान के चलो तुम्हें 10-20% क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में छोड़ने, जबरदस्ती नहीं छोड़ने, ऑफकोर्स अगर तुम्हारे सारे बन रहे तो सारे करोगे, पर नहीं बन रहे तो तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना कि यार 4 मिनट में हो जाएगा मैं अभी कर लेता हूं, 4 मिनट का क्वेश्चन है तो तुम अभी नहीं करोगे उसको, अगर ये 4 मिनट का क्वेश्चन है तो तुम उसको अभी नहीं करोगे, ये समझो, तुम उसको सेकंड अटेम्प्ट में करोगे। तो ये मैं तरह ध्यान रखना,
ये इफेक्टिव है आई थिंक, मतलब हमेशा हमेशा पेपर इसी तरीके से देना चाहिए, इसमें कोई एक्सेप्शन वाली चीज नहीं है ना, इसमें कोई एक्सेप्शन वाली चीज नहीं है, अनलेस अंटिल योर टॉपर और समथिंग, जो पहली बार में सब कुछ हो जाता है तो अलग बात है, उनका भी क्या होता है कि वो कुछ कुछ बॉक्स बना के जाते हैं, वो ज्यादा नहीं 6-7 बॉक्स बनाते हैं, फिर आके दूसरी बार तो तब भी बोलो भी करती है ना, यही तरीका होता है नंबर लाने का यार। तुम अननेसेसरी क्वेश्चन के साथ भिड़ते नहीं हो, तुम इमोशनल नहीं होते क्वेश्चन के साथ कि नहीं यार मैंने तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत अच्छे से पढ़ा तो ये वाला क्वेश्चन कैसे नहीं होगा। अरे नहीं हुआ भाई, अगर वो क्वेश्चन 2 मिनट में नहीं हो छोड़ दे। कई लोग इसमें ईगो में आ जाते हैं यार, एग्जाम में ईगो पे आ जाते हैं, नहीं मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पे इतनी सारी प्रैक्टिस करी थी, मैंने सब कुछ खत्म करा था, मेरा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन होगा, कैसे नहीं होगा ये क्वेश्चन, और 5-10 मिनट बर्बाद कर देते हैं। अगर भाई तूने 10 मिनट करके कर भी दिया ना तो क्या कर लिया, उसके चक्कर में आगे बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो अगला पॉइंट यही है, ये चीज मेरे साथ भी थी एक जमाने में, दिक्कत है ना, डोंट टेक एनी क्वेश्चन ऑन योर ईगो, क्वेश्चन के साथ इमोशनल नहीं होना है भाई। हो सकता है कि कोई टॉपिक तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाओ और एग्जाम में ना बने, ये होता है ऐसा, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन, छोड़ उसको। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो तू कर सकता है उस पे जा और उनको अटेम्प्ट कर, इमोशनल नहीं होना क्वेश्चन के साथ। समझ में आया? अगर नहीं हुआ 2 मिनट में छोड़ो। कई बार क्या होता है ना कि हो सकता है तुमने 2 मिनट में नहीं करा, तुमसे सॉल्व नहीं हुआ, जब तुम सेकंड अटेम्प्ट में आते हो ना तो तुमसे हो जाता है, क्योंकि उस समय तुम्हारा दिमाग ना कहीं किसी और डायरेक्शन में जा रहा होता है, फिर तुम कोई गलती कर रहे हो तो सेम गलती बार बार कर रहे होते हो, तो उसको तुरंत सही करने की कोशिश मत करो यार। दूसरे अटेम्प्ट में आओ ना, जब तुम 1-1.5 घंटे बाद वापस आओगे तो हाई चांसेस है वो क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा, ठीक है। अगली चीज का क्या ध्यान रखना है, बी फोकस एंड ट्राई टू रीड क्वेश्चन ओनली वंस। ये मैंने कई लोगों के साथ वाली दिक्कत दी है ना, वो हमेशा क्या होते हैं, वो फोकस्ड नहीं होते, वो अपनी मेंटल इफिशियंसी 100% नहीं दे रहे होते, वो 10-20% भी नहीं दे रहे होते, वो क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम से, ऐसे पढ़ा, फिर दूसरी बार क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा ही बोला, अच्छा फिर तीसरी बार पढ़ा, नहीं, तुम एक्टिव नहीं हो, तुम प्रेजेंट नहीं हो, अपना फोकस बढ़ाओ। तुम्हें यह मान के चलना है कि मैं क्वेश्चन को दूसरी बार नहीं पढ़ूंगा, क्वेश्चन में एक बार में पढ़ के खत्म कर दूंगा, उसमें डेटा अंडरलाइन करते जाया करो। तुमने देखा होगा जब मैं करता हूं क्वेश्चन, डेटा अंडरलाइन कर देता हूं ना भाई, पर क्वेश्चन पढ़ते ही पढ़ते लिख देता हूं, अच्छा ये वेलोसिटी दी है, ये एक्सेलरेशन दिया, ये टाइम दिया, ये दिया है ना। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ना है और ये प्रैक्टिस से होता है, वरना तुम्हारा पेपर छूटेगा। तुम अगर हर क्वेश्चन 2-2 बार पढ़ रहे हो तुम्हारा पेपर छूटेगा, है ना। कुछ क्वेश्चन हो सकता है भाई, कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि तुम्हें 2 बार पढ़ने की जरूरत हो जाए, पर ऐसा नहीं कि तुम हर क्वेश्चन 2-3 बार पढ़े जा रहे हो। तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम्हें एक बार में इतने फोकस हो के इतने ध्यान से पढ़ना, अंडरलाइन कर दो कि एक बार में पूरा क्वेश्चन दिमाग में करो, और ये हो जाता है, ये बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है, एक बार में पूरा क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में छप जाता है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत देखना होता है, उसमें भी पूरा नहीं पढ़ना होता दोबारा, तुम्हें कुछ छोटी बहुत चीज आगे दोबारा देखनी हो जाती है ना। तो प्रैक्टिस इस तरीके से हमको करना है। ये अगली चीज है भाई, स्पेशली वो बच्चे जो बहुत ज्यादा याद करते हैं एग्जाम में, कई बार होगा स्पेशली नीट और जेईई मेन में तो बहुत होता है ना, मतलब बहुत होता है कि तुम्हारे देखे हुए क्वेश्चन आएंगे, जो क्वेश्चन तुमने क्लास में करा होगा हूबहू सेम क्वेश्चन आ जाएगा, हूबहू सेम क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके दे देंगे, ऑप्शन घुमा फिरा देंगे, हल्का सा डेटा चेंज कर देंगे, मतलब बहुत हो गई होगा ये तो मान के चलो, नीट और जेईई मेन में तो होता ही होता है ऐसा, है ना। तो क्या होता है, जब भी ऐसा होना तो अलर्ट हो जाओ, ये खतरे वाली घंटी याद रखना, जब भी देखा हुआ क्वेश्चन आ जाए खुश नहीं होना, समझ जाना खतरे की घंटी है। अगर तुमने उस क्वेश्चन को मेमोरी से करा 90% से ज्यादा चांसेस है वो गलत होगा, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कई स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। जब भी देखा हुआ क्वेश्चन आ जाए या फिर सिमिलर क्वेश्चन आ जाए, खुश होने की बात नहीं है, खतरे की घंटी है, हाई चांसेस की तुम ये वाला क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो इसमें तुम्हें क्या होना है, अलर्ट हो जाना है, तुम्हें अलर्ट हो जाना है, बिल्कुल भी उसको मेमोरी से करने की कोशिश मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरी से करोगे 90% चांसेस है तुम गलत करोगे। मत सोचो कि इसका आंसर मैंने क्या निकाला था, अरे देखा हुआ क्वेश्चन लग रहा है, सिमिलर क्वेश्चन लग रहा है, फिर से सॉल्व कर ले, अच्छी बात है ना, 1 मिनट में सॉल्व करते हो, 30 सेकंड में सॉल्व कर, पर पूरा सॉल्व करो। कई बार वो क्वेश्चन वैसा नहीं होता, अलग होता है वो क्वेश्चन, उसमें हो सकता है कि जब तुमने घर पे करा था वहां पे वेलोसिटी पूछी हो, यहाँ पे कुछ और पूछ रखा हो, एक्सेलरेशन पूछ रखा हो, कुछ और पूछ रखा हो सकता है कि तुम्हें सेम लग रहा हो पर वो अलग है, एक्चुअल में डेटा अलग है, उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, या फिर हो सकता है बिल्कुल सेम हो पर तुम रिकॉल गलत कर रहे हो। अगर तुम मेमोरी से करने की कोशिश करोगे 90% से ज्यादा चांस है तुम उसको गलत करोगे। तो जब भी देखा हुआ क्वेश्चन हो जाए याद रखना खतरे की घंटी, हम सॉल्व करके फिर से निकालेंगे, कोई बात नहीं, देखा हुआ है ना, जब घर पे करा है तो अब तो करने के चांस ज्यादा है ना, फिर से सॉल्व कर, 1 मिनट में सॉल्व कर, 30 सेकंड में सॉल्व कर, पर सॉल्व करके आंसर देना, मेमोरी से नहीं देना, वरना गड़बड़ हो जाएगी, वरना गड़बड़ होगी, बहुत हाई चांसेस है वरना गड़बड़ ना, ये ध्यान रखना। अगली चीज, ये भी बहुत कॉमन सी चीज है यार, जो ये ऑफलाइन वालों के लिए ना, जैसे नीट का पेपर ऑफलाइन है उनके लिए, भाई ये चीज तुम्हें कभी नहीं करनी कि तुमने पूरा पेपर सॉल्व करो और लास्ट के 5 मिनट में तुम ओएमआर मार कर रहे हो, इससे घटिया स्ट्रेटजी हो नहीं सकती। यहां पे कोई 2 स्ट्रेटजी नहीं है जो तुम फॉलो करोगे, एक ही स्ट्रेटजी, और वो ये है कि हर क्वेश्चन के बाद तुम ओएमआर में मार्क करोगे। तुम हर एक क्वेश्चन करा, तुमने 6th करा ओएमआर में मार्क करो, 7th करा 7th मार्क करो, 8th करा 8th में मार्क करोगे। इसमें
तुम क्यों तो हटा लो, इसमें तुम्हारा फायदा ही है। तुम अगर लास्ट में जाके करोगे उसमें तुम्हारा नुकसान होगा और OMR में गलत होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, OMR में गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। मान लो तुमने 63rd क्वेश्चन नहीं करा था, है ना, अब तुम्हें 64th मार्क करना है, 64 तुमने 63 में मार्क कर दिया। ये बहुत कॉमन गलती, और हर साल कोई ना कोई मिल जाता है जो ऐसी गलती करके आता है, और तुमने 7-8 गलत मार्क कर दिए, गए तुम गए। ये बहुत ज्यादा कॉमन है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हर क्वेश्चन, जो भी तुमने क्वेश्चन सॉल्व करा, जो क्वेश्चन टिक वाले हैं तुम्हारे, उसको ऑन द स्पॉट उसी समय मार्क करो। OMR बाजू में लेकर तुरंत स्विच होता है, पेंसिल है ना, है ना, तो तुरंत उसे मार्क करो, उसको तुरंत मार्क करो, है ना। एक चीज और, मार्क करते समय हल्का सा ध्यान नंबर पे भी दो, अगर तुमने कोई क्वेश्चन छोड़ा स्पेशली, है ना, तो नंबर भी 7 मार्क करा, उसमें ज्यादा समय नहीं लगता, 8 नंबर देख लेना एक बार, OMR में नंबर देखने में कितना समय लगता है, तो गलत मार्किंग के चांसेस खत्म हो जाएंगे। अगली चीज भाई देखो, याद रखना, बोलते ना तुम्हारा दिमाग तुम्हारा मन बड़ा बेवकूफ सा होता है, तुम उससे जो बोलते वो मान लेता है। तो एग्जाम में तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस भयंकर हाई रखना है, भयंकर हाई। ये बहुत जरूर बड़ी चीज है। देखो दो है, तुम्हारा जो प्रिपरेशन लेवल अब है तो है, एग्जाम हॉल में आ चुके हो, अब प्रिपरेशन तो कर नहीं सकते। अब दो चीजें, एक तुम हाई कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दोगे, एक तुम लो कॉन्फिडेंस के साथ दोगे। लो कॉन्फिडेंस के साथ दोगे तो तुम जितने नंबर ला सकते हो उससे कम लेके आओगे, हाई कॉन्फिडेंस के साथ दोगे तो तुम जितने नंबर ला सकते हो उससे ज्यादा लोगे। जब हम हाई कॉन्फिडेंस होता है, हमारा कॉन्फिडेंस हाई होता है, हम काम रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, हम ज्यादा अच्छा करके आते हैं, जो क्वेश्चन मुश्किल होगा ना वो भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। पर घबराए होंगे, कॉन्फिडेंस डाउन होगा, इरिटेट हो रहे होंगे, दुखी हो रहे होंगे, आती हुई चीज चलेगी, चीजें भूलने लगेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो ऐसा हो जाए एग्जाम में कि तुमने पहला क्वेश्चन उठाया नहीं हुआ, दूसरा उठाया नहीं हुआ, तीसरा उठाया नहीं हुआ, चौथा उठाया नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पूरा पेपर पढ़ाया भी, हो सकता है स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है, स्टार्टिंग के 4 में वो टॉपिक आ गए जो तुमने नहीं पढ़े थे, या फिर मान लो नहीं हुआ डिफिकल्ट क्वेश्चन, अरे अभी पूरा पेपर बचा है, एग्जाम में तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस हिलने नहीं देना, एग्जाम में बिल्कुल हाई कॉन्फिडेंट होकर बैठना है कि AIR 1 तो इस बार मेरी है, ये सोच के ही बैठना है तुम्हें, फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस हिलने नहीं देना, अपने आपको अपने दिमाग से बोलो कि सब हो जाएगा, सारा आ रहा है, सब कुछ आता है मुझे, खत्म। हैव आयरन क्लेड कॉन्फिडेंस एंड स्टे काम, काम रहना एग्जाम में, ये नहीं कि 4 क्वेश्चन नहीं हुए मेरे लगातार घबरा करे क्या होगा हाथ कांपने लगे, फिर तो तुम्हारे आगे भी गलत होने वाले हैं। अगर तुम कॉन्फिडेंट रहोगे तो जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, जो करना मुश्किल है वो भी तुम्हारा हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो इसकी प्रैक्टिस अभी से करो, फाइनल एग्जाम में कैसे होगा, अभी मॉक टेस्ट में ये चीज प्रैक्टिस करना चालू करो। ये होता है, कई लोग बोलते हैं एग्जाम एंग्जाइटी, एग्जाम में डर लगता है, बहुत सारे एग्जाम दो यार, एग्जाम एंग्जाइटी है ना, बहुत सारे एग्जाम दो, हर हफ्ते एग्जाम दो, क्विजेस दो, चली जाएगी। एंग्जाइटी का ये होता है जिस चीज से डर है उसको बार बार करो, हाइट से डर लगता है, स्काई डाइविंग कर लो जाके यार, है ना, चला जाएगा डर, यही है, जिस चीज से डर लगता है उसको बार बार करो। तो ये ध्यान रखो, इन बातों का ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं, फिर बाद में मिलते हैं ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना, सारी लिंक्स टेलीग्राम और वेबसाइट की लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लेना। चलो बाय बाय, सी यू, बाय बाय।